हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पत्ता गोभी यानी कि कैबेज की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बहुत ही कम तेल मसाला में बना के भी खाएंगे और ये खाने में बहुत ही लजीज होता है। तो फ्रेंड्स, इस कैबेज की रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये सब्जी आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें तड़का डालेंगे। तो हमने तड़के में जीरा, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, राई और मेथी दाना लिया है। हम सब तड़के को एक साथ तेल में छोड़ देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। चटकने लगा है फोरन। अब इस स्टेज पे हमने एक बड़ा साइज प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम तेल में छोड़ देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज अपना अच्छे से भून चुका है। और कैबेज की सब्जी हम कभी भी बनाएंगे, यानी कि पत्ता गोभी की सब्जी, तो हम प्याज के साथ ही मसाला को भून लेंगे, क्योंकि कैबेज डालने के बाद मसाला अच्छे से भुनता नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला का कितना बढ़िया कलर आया है। अब हमने जो पत्ता गोभी यानी कि कैबेज को बारीक बारीक काट रखा है उसको इसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम कैबेज को बारीक बारीक काट लिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप पूरी पराठा के साथ, चावल के साथ कभी भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। कैबेज को हमने मसाला के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके और पकने देंगे। तो हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन हम इसे 2-2 मिनट पर कवर हटा के चलाते रहेंगे। कवर करके हमने हटा हटा के 2 से 3 बार चला लिया है। आप ध्यान से देखिए, अपनी कैबेज जो है अच्छे से गल चुकी है। सब्जी में कितना अच्छा खुशबू आया है। तो ऐसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और कैबेज यानी कि पत्ते गोभी की टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें शक्कर डालते हैं। तो आप 1/2 चम्मच शक्कर डालिए और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए। ये बड़ा ही टेस्टी सब्जी तैयार होता है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी सब्जी जो है अच्छे से गल चुकी है। कितनी अच्छी कलर आई है। खुशबू तो मैं नहीं बता सकती, जब आप बनाएंगे तो ही जानेंगे। तो सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम सब्जी को सर्व करेंगे। उसमें बोल में सब्जी को निकालेंगे। कितना प्यारा कलर आया है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। कैबेज फ्राई सब्जी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म पूरी पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही जायकेदार सब्जी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो क्या कहें। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये कैबेज यानी कि पत्ते गोभी की रेसिपी आपको पसंद आए
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।